हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैसर खरल शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम से आप सबको वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको मुख्तसर तौर पर शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम की सैर कराऊंगा। इस छोटी सी वीडियो में शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम जो कि खलीफा सिटी में वाक़ है और मेरे तकरीबन मोहल्ले में आता है, क्योंकि यहाँ पास ही मैं मुसफ़ा के इलाके में रहा करता था। दोस्तों, शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम 23 मिलियन डॉलर की लागत से 2004 में मुकम्मल हुआ और इसमें 20,000 की कैपेसिटी है, यानी 20,000 लोग एक वक्त में बैठकर स्टेडियम में कोई भी मैच इवेंट देख सकते हैं। और दोस्तों, शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम दुनिया के चंद खूबसूरत और मॉडर्न तरीन स्टेडियम में से एक है और ये मेरा पसंदीदा स्टेडियम है। खासतौर पर पीछे आपको जो हिस्सा नज़र आ रहा है स्टेडियम का, ये पीछे बड़ी हिल जो आपको नज़र आ रही है, ये मेरी फेवरेट है, मेरी पसंदीदा जगह है ये स्टेडियम में, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है बड़ा ही मॉडर्न है। वो साइडों पे ग्रास वाला भी है, दो हिल हैं, साइडों पे ग्रास वाला भी है। स्टेडियम्स मेरी हमेशा से बड़ा मुझे पसंद रहे हैं, खासतौर पे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका वगैरह में जो बड़े बड़े मॉडर्न और खूबसूरत स्टेडियम्स बने हुए हैं, मेरे बड़े बड़े पसंदीदा स्टेडियम्स हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि क्योंकि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो बदकिस्मती से पाकिस्तान में कोई भी ऐसा खास कोई मॉडर्न या बड़ा स्टेडियम नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में अगर कहा जाए तो खेलों की ऐसी खास कोई सहूलियत है भी नहीं। हालांकि इसके बावजूद पाकिस्तान ने बड़े बड़े सुपरस्टार्स पैदा किए हैं मुख्तलिफ खेलों में, क्रिकेट हो, स्क्वाश हो और दूसरे बहुत सारे खेलों में, हॉकी में, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में खेलों को कभी भी हुकूमती सरपरस्ती नहीं है रही है। तो क्योंकि पाकिस्तान में हुकूमत बनी है, ये एक नया पाकिस्तान है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान में ना सिर्फ ये कि खेलों के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करेगी, बल्कि खिलाड़ियों की बहबूद के लिए भी काम करेगी और आने वाले टाइम में पाकिस्तान में बड़े बड़े सुपरस्टार्स पैदा